मंदसौर थाना क्षेत्र कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर रेवास देवड़ा रोड स्थित पुष्प गार्डन के सामने शौचालय के पास एक व्यक्ति मादक पदार्थ लेकर जा रहा है, जिसको लेकर टीम कोतवाली द्वारा एक व्यक्ति को रोका गया, जिसने अपना नाम रेहान और सोनू खलीफा होना बताया, जो कि कोटा के भीमगंज क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके पास से तलाशी लेने पर 1 किलो चरस, 150 ग्राम चरस पाई गई, जिसकी कीमत 1,15,000 के तहत जिसकी कीमत करीबन 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी द्वारा बताया गया कि वह चरस सलमान निवासी नयापुरा तालाब के पास भीमगंज मंडी कोटा से लाया है। वह मंदसौर के अमन पिता बाबू खान निवासी राम टेकरी को देने के लिए आया था। थाना क्षेत्र कोतवाली द्वारा आरोपी से माल बरामद कर कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं चरस लेने वाला व्यक्ति अमन पिता बाबू खान निवासी मंदसौर को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।